हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है फोर्स एंड मोशन। लेकिन फोर्स एंड मोशन को पढ़ने से पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। जनरली एनी फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक यूनिट से, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से, जैसे एच से डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया, इस तरह। बट फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ इन एडिशन टू न्यूमेरिकल वैल्यू नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंक्लूड की जाती है। जनरली फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिस्क्राइब्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इट इज़ कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब हो जाए, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दीज हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी, एनर्जी, पावर, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। इनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, आपने कोई चीज़ खरीदी 5 किलो की, तो क्या इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही। आप 30 की स्पीड से बाइक चला रहे हो, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं। डायरेक्शन से आप इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन से उसको डिस्क्राइब ना किया जाए, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल पूछे तो क्या क्या आएगा? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, मास, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी, एंट्रोपी, वर्क, पावर, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़। इनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इनको डायरेक्शन से डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। मैनी फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑफ सच टाइप दैट वी कैन नॉट फाइंड फुल इन्फॉर्मेशन ओनली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप डायरेक्शन के बिना सही से समझा नहीं पाते हैं या फिर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। फॉर दिस टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ एज फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड, सेंस ऑफ डायरेक्शन इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नेसेसरी होती है, कंपल्सरी होती है। सो दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल बाय देयर डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज़। और वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल क्या होंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, लिफ्ट, ड्रैग, थ्रस्ट एंड वेट। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो जहाँ रखा हुआ है उसको उसकी जगह से खिसका देना, रिमूव कर देना। तो आप कोई ना कोई डायरेक्शन में तो उसको रिमूव करोगे। तो जैसे मैंने बोला कि इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस कर दो, तो लेफ्ट साइड में क्या है, ये इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो इस टाइप की क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन नेसेसरी होती है, इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस बता रखा है। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी व्हीकल है उसकी स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि आप ऐसा नहीं बोलते हो कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में इस स्पीड से जा रहा हूँ, आप ओनली सिर्फ ये बोलते हो कि मैं इस स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ। A scalar is a quantity that is fully described by a magnitude only. It is described by just a single number. Some example of scalar quantities include speed, volume, mass and time. Weight is a vector quantity. अब weight क्यों होता है vector quantity में?
A vector is a quantity that has both a magnitude and a direction, जिसमें magnitude भी हो और direction भी हो. Vector quantities are important in the study of motion. ये motion की study में भी हमें काम आती है. Some examples of vector quantities include force, velocity, acceleration and momentum. Next है representation of vectors. इन vectors को हम कैसे represent करते हैं. Vectors are represented by an arrow. इसे एक arrow से represent किया जाता है. The length of this arrow line segment is proportional to magnitude and head of arrow represent direction of vector. और इस जो ये जो arrow है इसका जो head वाला part है वो represent करता है direction को. Representation of vectors. You can represent a vector in many different ways. वेक्टर को रिप्रेजेंट के काफ़ी तरीके हैं. इफ़ वी हैव अ लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी, जैसे हमें हमारे पास दो पॉइंट है ए एंड बी, इन दोनों को हम किसी लाइन के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, ये क्या बन गई एक लाइन सेगमेंट. वी कैन राइट द वेक्टर टेकिंग अस फ्रॉम ए टू बी वाई ए बी. अब ए से बी तक की लाइन को आप डायरेक्ट ए बी लिख सकते हैं या फिर आप ए बी लिख के इसके ऊपर एक एरो बना सकते हैं. इस एरो ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर्स को. वी शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज अ सिंगल लेटर ए और ए डैश. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन. अ बॉडी ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल इज सेट टू बी इन द मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन कंटिन्यूसली विथ टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है या फिर कोई पार्टिकल है, वो मोशन फॉर्म में कब होगा, जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेगा. तो ऐसी प्रोसेस या फिर इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं. इन द सेम वे अ बॉडी इज सेट टू बी रेस्ट एज इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. मोशन का जस्ट अपोजिट होता है रेस्ट. रेस्ट का मतलब है कि टाइम के साथ पोजीशन का चेंज नहीं होना, और मोशन का मतलब है कि टाइम के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल की पोजीशन का कंटिन्यूसली चेंज होना. इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. फॉर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है रेफरेंस पॉइंट. मतलब अगर आपको कोई बोले कि इस जगह से आपको 45 डिग्री लेफ्ट में लेना है या फिर 45 डिग्री ईस्ट में लेना है, वेस्ट में लेना है, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन दे, तो जो आपका ओरिजिन पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है, उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. क्योंकि आप वहीं से अपने जो लोकेशन है जिस पर आप पहुंचने वाले हो उसकी बीच की डिस्टेंस निकालोगे. एंड एंगल मेड बाय द लाइन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ओरिजिन. और ओरिजिन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है या जो लाइन बन रही है फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस के एक्सिस पर, विच इज़ कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वही उसकी डायरेक्शन कहलाती है. जैसे आपको अपने घर से प्लेग्राउंड में जाना है तो हाउस और प्लेग्राउंड दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 किलोमीटर. तो जाना कहाँ से आपको, हाउस से जाना है. तो हाउस क्या है यहाँ पे, रेफरेंस पॉइंट. इस हाउस से आप प्लेग्राउंड जाओगे तो 3 किलोमीटर है, और इसी हाउस से जब आप स्कूल जाओगे तो 4.5 किलोमीटर से डिनोट कर रखा है, और इसी हाउस मतलब इसी रेफरेंस पॉइंट से जब आप पेट्रोल पंप जाते हो तो इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 3.5 किलोमीटर. अब आपको इससे आसानी से समझ में आ गया है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट या पर्टिकुलर लोकेशन, जहाँ से वो उस ऑब्जेक्ट की जो नई लोकेशन है जहाँ पे वो जाने वाला है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप मेज़र करते हो. कंटिन्यूस चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन क्या होता है, कोई भी टाइम के साथ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, जब उस ऑब्जेक्ट में कंटिन्यूस चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है. द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मे बी ऑफ मैनी टाइप्स. सम मेजर मोशंस आर रेक्टिलिनियर या फिर स्ट्रेट लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. फर्स्ट है
स्ट्रेट लाइन मोशन. इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन इट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन. जैसे आप सड़क पर रनिंग कर रहे हो, तो सड़क क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर आप रनिंग कर रहे हो. या फिर मोशन ऑफ ए बॉल इन लॉन्ग पाइप, एक लॉन्ग पाइप है जिसमें एक बॉल मोशन कर रही है, तो वो जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है. एक ही स्ट्रेट लाइन में गति होना या मूव होना. सेकंड है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन का मतलब है एक सर्कल पाथ पर मोशन करना. व्हेन एनीबॉडी ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टोन टाइड बाय अ स्ट्रिंग एंड मूविंग इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन. इसका एग्जाम्पल है, जब आप एक पत्थर को कोई स्ट्रिंग या फिर किसी से बांध के घुमाते हो, तो वो पत्थर जब हम घुमा रहे हैं अपनी अंगुली से या फिर किसी धागे के थ्रू, तो वो जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन कहलाता है. सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं सन एंड प्लैनेट्स. आपने देखा होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ और सैटर्न, मर्क्यूरी, विनस, ये सारे सन के चक्कर लगाते हैं. तो ये कौन से मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, क्योंकि एक इनका सर्कुलर पाथ होता है जिसमें ये चक्कर लगाते हैं. जैसे आपने एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं या मूव होते हैं. जैसे सर्कुलर ट्रैक है, जैसे आपने पार्क वगैरह देखे होंगे, स्टेडियम देखे होंगे, उनमें एक सर्कल ट्रैक होता है जिस पर आप दौड़ लगाते हो, तो ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन. जब आप उस पर दौड़ लगाओगे, रनिंग करोगे, तो आप कैसा मोशन कर रहे हो, सर्कुलर मोशन. जैसे अर्थ एंड मून, आपको पता है कि मून जो है वो अर्थ के कंटिन्यू चक्कर लगाता रहता है, तो जिस मोशन में वो चक्कर लगाता है वो सर्कुलर मोशन होता है. जैसे सर्कुलर राइड, आपने झूले वगैरह देखे होंगे, वो झूले कौन सा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं. तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे सर्कुलर मोशन के, जिसमें एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव होता है या मोशन करता है. नेक्स्ट टाइप है ऑक्सिलेटरी मोशन. पीरियोडिक मोशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सिलेटरी मोशन. पीरियोडिक मोशन को ही ऑक्सिलेटरी मोशन कहा जाता है. दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल. जिसमें मोशन क्या है, जब आप मूव कर रहे हो तो वो मोशन रिपीट होने लगे कुछ टाइम इंटरवल के बाद, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन. जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम इन अ पेंडुलम वॉच. जैसे आपने पेंडुलम वॉच देखी होगी, उसमें पेंडुलम है जो घूमता रहता है इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट होता रहता है, तो ये क्या है, इसकी एक फिक्स्ड इंटरवल में ये रिपीट होता है, इसकी मोशन रिपीट होती है, तो इस टाइप का मोशन होता है ऑक्सिलेटरी मोशन. ये तीनों एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑक्सिलेटरी मोशन के, जैसे पेंडुलम का हिलना, पेंडुलम वॉच. नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स. ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स क्या होते हैं, जनरली वी कंसिडर मूविंग थिंग्स एज ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स. जनरली ये माना जाता है कि जो मूविंग थिंग्स है, जो मूव कर रही है, उनको हम ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का नाम देते हैं. इफ़ ड्यूरिंग मोशन द मूविंग थिंग्स डज नॉट ब्रेक इनटू पार्ट्स देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ यूनिट एंड इज़ कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट. जब मोशन के दौरान कोई थिंग जो है, कोई चीज़ जो है ऑब्जेक्ट, वो ब्रेक नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट. द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेंटर्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट. और इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सेंटर में रहता है सिंगल पॉइंट की तरह. वी कॉल दिस एज सेंटर ऑफ मास. व्हेन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट देन इट इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल. और पार्टिकल किसको कहते हैं, जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो उस पार्टिकल, उसे हम नाम देते हैं पार्टिकल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट। ये एक छोटी सी डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उसके बीच की। मतलब अगर आप कोई जगह पर खड़े हो, वहाँ से आप दो कदम आगे चलते हो, तो जहाँ आप खड़े थे, एग्जैक्ट जिस पॉइंट पर आप खड़े थे, वहाँ से जहाँ आप पहुँचे हो, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये दो पॉइंट के बीच में हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स प्रॉपर प्लेस और पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एक एक्शन या प्रोसेस होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को उसके प्रॉपर प्लेस या पोजिशन से मूव किया जाता है। दिस इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी। ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है, इसमें डायरेक्शन को मेजर किया जाता है, डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है। अब है डिस्टेंस, द लेंथ और अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू थिंग्स पॉइंट्स लाइन्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जब कोई दो पॉइंट या कोई दो थिंग्स या दो लाइन्स के बीच का जो लेंथ है या फिर अमाउंट ऑफ स्पेस है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन इज स्केलर क्वान्टिटी। कोई भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक या फाइनल पोजिशन तक टोटल डिस्टेंस कवर की जाती है उसको बोलते हैं स्केलर क्वान्टिटी। मतलब वो एक स्केलर क्वान्टिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, कोई लड़का है वो ए से बी की तरफ 3 मीटर गया, बी से सी की तरफ 5 मीटर गया, और सी से डी की तरफ 3 मीटर गया, और डी से वापस अपने इनिशियल पोजिशन पे आ जाता है 5 मीटर। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर आपको पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो आप क्या करोगे, 3 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर एंड प्लस 5 मीटर, क्या आ जाएगा, 16 मीटर। टोटल उसने 16 मीटर कवर की। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। इन डिस्प्लेसमेंट वी ऑल्सो डिनोट द डायरेक्शन इन विच वी हैव टू मेजर डिस्टेंस। बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सो दे आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिट ऑफ लेंथ। द इंटरनेशनल यूनिट या फिर SI यूनिट ऑफ बोथ इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ को मेज़र करने के काम आती है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है मीटर से, इनकी SI यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई ए पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, अगर उसको बी तक पहुंचना है तो वो किसी भी तरह से लेफ्ट राइट होकर किसी भी तरह से जा सकता है। तो ये टोटल जो लेंथ है ए से बी तक की, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, जो यहाँ पर डॉटेड लाइन से डिनोट की गई है। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट करना है, तो ए से डायरेक्ट बी पे जाना है बिना कोई लेफ्ट राइट लिए, अगर हमें बोले कि ए से बी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, ए से डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन लेंगे और बी तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इफ़ वी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट विदाउट कंसिडरिंग द डायरेक्शन देन इट इज़ कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। जैसे ए है, ए पोजीशन से किसी बच्चे को अपने घर से होते हुए पेड़ तक पहुंचना है, तो जब वो ए से बी पर मतलब घर तक जा रहा है तो उसने 4 मीटर कवर किया, फिर वो घर से पेड़ की तरफ जा रहा है तो उसने 3 मीटर कवर किया, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, 7 मीटर। और अगर ये क्या हो गई, डिस्टेंस। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट देखना हो, तो वो पहले ए पर खड़ा था, फिर कहाँ पहुँचा, वो सी पर। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है
वो क्या है, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है। ओरिजिन से वो जो फाइनल पोजिशन पर पहुँचा, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ए से सी तक की जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियरली समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड क्या होती है कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की, उन दोनों का रेशो स्पीड कहलाता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कि जैसे आपको बोला गया है कि 13 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि कोई इंसान या कोई पर्सन 30 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो ये क्या है, उसकी स्पीड है। जनरली ऑब्जेक्ट मूव्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सो इन द सिचुएशन वी रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज एवरेज स्पीड। कई बार ऐसा होता है कि स्पीड सेम नहीं रहती, तो जब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई स्पीड मेज़र करते हैं तो वहाँ पे एवरेज स्पीड ली जाती है कि उसने पहले 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, फिर उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे मैंने बताया कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को कैसे निकालते हो, जितनी भी डिस्टेंस कवर की है और जितना भी टाइम लगा है उन दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे, जैसे आपको एग्जांपल दे कि कोई कार है वो 300 किलोमीटर चलती है 2 आवर में, ठीक है, तो इसकी आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आप क्या करोगे, 300 अपॉन 2, क्योंकि डिस्टेंस क्या थी 300, टाइम उसने कितना लिया 2 आवर का, तो 300 अपॉन 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 150। तो 150 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। यानी उसने 150 किलोमीटर चलने के लिए 1 घंटे का समय लिया। हियर डिस्टेंस ट्रेवल इज एन इंटरवल ऑफ टाइम इज डिनोटेड बाय डी। डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और स्पीड की जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड होती है। इन व्हीकल्स स्पीड इज जनरली एक्सप्रेस्ड बाय किलोमीटर पर आवर। और व्हीकल्स में जो स्पीड होती है वो कैसे मेज़र की जाती है, किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विथ इट्स स्पीड। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एसेप्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी को डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे, वेलोसिटी में क्या करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी को कैसे हम करते हैं, जैसे कोई इंसान या कोई भी कार ड्राइवर है उसको जाना है ईस्ट में 35 किलोमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड हो गई कि उसको ईस्ट में जाना है 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे जैसे ही डायरेक्शन के साथ स्पीड आती है तो वहाँ पर वेलोसिटी का यूज़ होता है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी डिवाइड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय टाइम। इफ वी डू नॉट डिस्प्लेसमेंट बाय एस टाइम बाय इट एंड वेलोसिटी बाय वी, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ हम देखेंगे वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस। वेलोसिटी इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जबकि स्पीड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी सिग्निफाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मूवमेंट। वेलोसिटी क्या होती है, अभी बताया कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
जैसे एग्जांपल यहाँ दे रखा है कि कोई गाड़ी है वो नॉर्थ साइड में चलती है 25 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, तो ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इंक्लूड हो गई है, नॉर्थ साइड दे रखा है ना, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूड हो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अब है स्पीड। स्पीड क्या होती है, उसको डायरेक्ट मैग्नीट्यूड से सिग्निफाई कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस में चेंज होना, मतलब अभी यहाँ पे थी, थोड़ी देर बाद में, कुछ टाइम बाद में ये दूसरी जगह पर पहुँच गई, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। और कितने टाइम में पहुँची वो उसका क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी। टाइम टी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम टी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डज द डायरेक्शन ऑफ वी इज़ सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस, और वी और एस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं इफ़ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड ऑब्जेक्ट कवर एस डिस्टेंस इन टाइम टी इन अ फिक्स डायरेक्शन देन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, मतलब स्पीड अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।